बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम फार्मा के वाइवा क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, वो भी सिर्फ इंटरनल वाले के, क्योंकि जो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो इंटरनल होता है वो तो सेम होता है लेकिन एक्सटर्नल चेंज होता रहता है। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनल के। सबसे पहला क्वेश्चन है सिंगल अंदर डबल ब्लाइंड है। तो पहली बात की क्लिनिकल ट्रायल होता है, सिंगल के अंदर सब्जेक्ट को पता नहीं होता लेकिन इन्वेस्टिगेटर को पता होता है कि कौन से सब्जेक्ट कौन सी दवाइयाँ ले रही है, कौन से एक्टिव प्लेसिबल ले रही है, कौन से सब्जेक्ट प्लेसिबल ले रही है। डबल ब्लाइंड के अंदर ना ही इन्वेस्टिगेटर को ना ही सब्जेक्ट को पता होता है कि कौन से बंदे प्लेसिबल ले रही है और कौन से एक्टिव प्रिंसिपल ले रही है। फार्माकोजेनोमिक्स क्या होते हैं, फार्माकोजेनोमिक्स को फार्माकोजेनेटिक्स भी कहते हैं। यहाँ पे आप जेनेटिक अल्टरेशन को पढ़ते हो, ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म के ऊपर, एंटी इन्फ्लुएंजा के ड्रग कौन कौन सी, मेंटेडी रिमेंटेडी ने यानी अर्ली स्टेप के ऊपर और लेट स्टेप पर सल्टामीविर और ज़ानामीविर होती है। अल्कालेटिंग एजेंट के नाम तो आप अल्कालेटिंग एजेंट के नाम सुना सकते हो, लाइक अल्कालेटिंग एजेंट कहते हैं साइक्लोफॉस्फामाइड होती है, क्लोरम्ब्यूसिल होती है, मेक्लोरथामीन, कार्मिस्टीन, लोमेस्टीन, प्लेटिनम एनालॉग होती है, बुसल्फीन, प्रोकार्बाजिन, रोटाकार्बाजिन होती है। ये सारे अल्कालेटिंग एजेंट होते हैं। इसके अलावा इंटरनल की तरफ आ जाते हैं, इडियोसिनक्रेसी और इसकी एग्जांपल है। तो इडियोसिनक्रेसी क्या होता है कि अब नॉर्मल अनयूजुअल रिस्पांस होता है किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन की वजह से हिमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, तो इडियोसिनक्रेसी के अंदर आता है। एगोनिस्ट और इसकी एग्जाम्पल सुना हो तो एगोनिस्ट क्या होता है कि एगोनिस्ट कैसे जो ड्रग होती है जो कि किसी पार्टिकुलर रिसेप्टर पर बाइंड करने के बाद इफेक्टर को एक्टिवेट कर देती है। इसकी एग्जाम्पल में आप कह सकते हो कि एपिनेफ्रिन अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू जाकर बाइंड करता है। टैकेफिलेक्सिस और टॉलरेंस का क्या डिफरेंस होता है, टैकेफिलेक्सिस को आई थिंक हम फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस कहते हैं, टॉलरेंस को फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस कहते हैं। टैकेफिलेक्सिस में सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ड्रग का इफेक्ट अचानक ही कम हो जाएगा, टॉलरेंस के अंदर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ड्रग का इफेक्ट कम हो जाएगा, और टॉलरेंस के अंदर आप डोज को बढ़ाना पड़ता है, टैकेफिलेक्सिस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन है, तो जो डाइसल्फिराम होता है अल्कोहल डी हाइड्रोजनस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। अल्कोहल डी हाइड्रोजनस एंजाइम ये अल्कोहल नहीं बल्कि एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम डाइसल्फिनाम उसको ब्लॉक कर देती है, जिसके वजह से एल्डिहाइड की एक्युमुलेशन होती है। अब कुछ ऐसे ड्रग होती है जो कि डाइसल्फिनाम लाइक रिएक्शन को शो करती है, लाइक फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया होती है, ग्रिसोफिलविन होता है, मेटोनिडाजोल होती है, सेफ्लोस्पोरिन्स होती है। ओके, अब ऑटोटॉक्सिक ड्रग है, तो ऑटोटॉक्सिक ड्रग के अंदर आप कह सकते हो कि माइनोग्लाइकोसाइड होती है, सबसे ज़्यादा ऑटोटॉक्सिक होती है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि वेंकोमाइसिन होती है, ठीक है, और भी दूसरी ड्रग होती है ऑटोटॉक्सिक के अंदर आप देख रहे हैं उसको। ऑटोटॉक्सिक में फ्यूरासीमेट सबसे इंपॉर्टेंट है। माइनोग्लाइकोसाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और स्पेक्ट्रम, तो माइनोग्लाइकोसाइड होता है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होती है, 30S राइबोसोमल सबयूनिट पे जाके बाइंड करते हैं, ठीक है, ओके। और ये करते क्या है, ये चार काम करते हैं, ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट कर देते हैं, इसके अलावा ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देते हैं, पॉलीसोम को डिस्टर्ब कर देते हैं, स्पेक्ट्रम एकीग्राम नेगेटिव रॉड के अगेंस्ट काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है, लाइक ए कुलाई हो गया, साल्मोनेला शिगेला वगैरह, क्लैप्सिला वगैरह। विच माइनोग्लाइकोसाइड इज यूज टॉपिकली, जो टॉपिकली अप्लाई करते हो आपका जेंटामाइसिन को भी आप टॉपिकली अप्लाई कर सकते हो, इसके अलावा आप न्यूमाइसिन है, नेटिलमाइसिन है, इनको आप टॉपिकली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इंटरनल के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो एंटी फंगल एम्फोटेरिसिन सी के इफेक्ट यानी पूछ रहे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसके इफेक्ट क्या होता है। जो एम्फोटेरिसिन भी होती है एंटी फंगल ड्रग होती है, इसने क्या करना है, एर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस नहीं बल्कि एर्गोस्टेरॉल के अंदर आर्टिफिशियल पोर क्रिएट कर देना है। एम्फीपैथिक पॉलीन मॉलिक्यूल होता है इसके इफेक्ट, यानी अगर आप टॉक्सिक इफेक्ट भी बता सकते हो, लाइक इन्फिनिटेड इफेक्ट होते हैं, कुछ डोज लिमिटिंग होते हैं, इन्फिन रिलेटिव मसल स्पैज़म और चिल होता है, फीवर होता है, हाइपरटेंशन होता है, शॉक लाइक कंडीशन होती है। इंटरफेरोन, तो इंटरफेरोन क्या होती है, वायरल ये सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं, वायरल प्रोटीन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं, लाइक इंटरफेरोन अल्फा होता है उसको रिबावरिन के साथ मिला के देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी। इसके अलावा जो इंटरफेरोन होती है राइबोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्सप्रेशन को बढ़ा देती है, राइबोन्यूक्लियस करता है आरएनए, ये तोड़ देगा आरएनए को, वायरस के आरएनए को। उसके बाद थेरापेटिक इंडेक्स होती है, थेरापेटिक इंडेक्स क्या होती है, थेरापेटिक इंडेक्स आप कह सकते हो कि LD50 ओवर ED50 की रेशियो होती है, जो सेफ्टी को मॉनिटर करती है। टेट्रासाइक्लिन की नहीं, मतलब टेट्रासाइक्लिन में आप सुना सकते हो बहुत सारे नाम, अमीनोसाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, अमीनोसाइक्लिन है, डिमेक्लोसाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह, ठीक है, साइक्लिन आ सकती है। इसके बाद हम इंटरनल के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर है अमाइनोग्लाइकोसाइड के एडवर्स इफेक्ट। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड बहुत ज़्यादा पूछ रही है, अमाइनोग्लाइकोसाइड के एडवर्स इफेक्ट तीन होते हैं, चार होते हैं, पॉन्स है, ऑटोटॉक्सिटी यानी कान को नुकसान पहुंचाते हैं, नेफ्रोटॉक्सिटी उसकी रिएक्शन होती है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आप कह सकते हो कि सेफ्लोस्पोरिन पेनिसिलिन होती है, मोनोलैक्टम बीटा लैक्टम इनहिबिटर होती है, मैकेनिज्म थ्रू भी द ड्रग एक्ट, तो जो बीटा लैक्टम होती है ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, आउटलाइसिन को एक्टिवेट कर देती है, पेनिसिलिन वगैरह। पोस्ट सर्विलेंस क्या होती है, पोस्ट सर्विलेंस ये फेज थ्री के बाद होती है, जिसमें जो ड्रग्स होती है उसको हम सब्जेक्ट्स के ऊपर टेस्ट करते हैं, उसके तमाम इफेक्ट वगैरह को स्टडी करते हैं, ये फेज थ्री के बाद हम करते हैं, ठीक है, मार्केटिंग के बाद। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरनल के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इंटरनल के, तो क्वेश्चन किधर है, अच्छा यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अमाइनोग्लाइकोसाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लगता है इंटरनल सर को, यानी हमारे सर को अमाइनोग्लाइकोसाइड बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड और कीमोथेरापेटिक ड्रग से बहुत पूछ रही है। अमाइनोग्लाइकोसाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है तो आपको बता चुका हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होती है, 30S राइबोसोमल सबयूनिट पे जाके बाइंड करते हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से मिला के इसलिए देते हैं क्योंकि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, इनकी पेनिट्रेशन को बढ़ा देती है। इसके बाद जो MTR ट्यूबरक्लोसिस, तो इसके लिए कौन कौन से ड्रग यूज़ करते हैं, बीटा क्विनिन यूज़ करते हैं, मीकेसिन यूज़ कर सकते हैं MDR के लिए, बायो ट्रांसफॉर्मेशन तो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, ओके, ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है फेज
वन और फेज टू आप सुना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है कि ऑर्डर ऑफ काइनेटिक, द फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर काइनेटिक होता है। साइड इफेक्ट ऑफ क्लोराक्विनोलोन तो थियोफाइलिन के मेटाबॉलिज्म को ये काम कर देता होता है, उसके अलावा ये कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है, आर्थ्रोपैथी करवा देता है, प्रेगनेंसी के तक कॉन्ट्राइंडेटेड होता है, क्यूटीसी इंटरवल को बढ़ा देती है। वाई क्लैवुलिनिक एसिड इज गिवन विद बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, क्योंकि क्लैवुलिनिक एसिड क्या होता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, तो क्लैवुलिनिक एसिड ये बीटा लैक्टम एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बीटा लैक्टम को प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टाफिलोकोकस ऑरियस होता है। क्लोराक्विनोलोन एसिड ऐसी ड्रग्स होती है जो कि जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ा देती है, अपर स्टोमक की मोटिलिटी को बढ़ा देती है। ये हम गैस्ट्रोपैरेसिस वाले पेशेंट में, डायबिटीज वाले पेशेंट में देते हैं ताकि स्टोमक की मोटिलिटी बढ़ जाए। इसमें मेटाक्लोप्रामाइड है, इसके अलावा जिथ्रोमाइसिन भी है, कोलिनोमेमेटिक पाइलोकार्पिन वगैरह ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है कि विच ड्रग हैव रिलैक्सिंग एक्शन ऑन स्मूथ मसल इन द एस्थमा, तो एस्थमा में रिलैक्सिंग एक्शन ऑन द स्मूथ मसल, तो आपको पता है कि जो सिम्पैथोमिमेटिक होती है उन्होंने रिलैक्स कर देना होता है, ब्रोंको डायलेशन करवानी होती है। इसके अलावा एंटी मस्क्रीनिक और थियोफाइलिन वगैरह ये भी रिलैक्सिंग इफेक्ट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इंटरनल के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम है इंटरनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो बहुत सारी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है, लाइक लोकल और सिस्टमिक है, लोकल में टॉपिकल वगैरह इनहेलेशन वगैरह लिख सकते हो, सिस्टमिक में ओरल है, इंटीरियल है, ठीक है, पार इंटीरियल वगैरह। गिव टू एडवांटेजेस ऑफ ओरल इंट्रावीनस सबकुटेनियस रूट है, तो जो ओरल रूट होता है मोस्ट कन्वीनियंट है, ईजी होता है, पेशेंट खुद कर सकता है। इंट्रावीनस के अंदर ये बाईपास यानी मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता इसमें, और ये एंटीडोट के लिए इस्तेमाल होता है। सबकुटेनियस रूट हम ऐसी दवाइयों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि हाईली लिपोफिलिक होती है, स्किन वगैरह को क्रॉस कर सकती है। एग्जाम्पल वगैरह भी है लाइक सबकुटेनियस, आप इंसुलिन के एग्जाम्पल लिख देना, इंट्रावीनस के अंदर आप लिख देना कि जो इंट्रावीनस लिडोकाइन लिख देना, ठीक है, और ओरल के अंदर आप कौन सी दवाई ओरल देते हो, तो अमोक्सिलिन है। नेम ब्रोंको डायलेटर, तो ब्रोंको डायलेटर के अंदर आप एग्जांपल लिख सकते हो कि सिम्पैथोमिमेटिक होती है, एंटी मस्क्रीनिक ड्रग होती है, और इसके अलावा थियोफाइलिन वगैरह थीमेथाइलजेंथिन होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा टू एगोनिस्ट अंदर थियोफाइलिन है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा टू एगोनिस्ट और थियोफाइलिन का कि जो बीटा टू एगोनिस्ट और बीटा टू रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देना थियोफाइलिन है, इसके बहुत सारे मैकेनिज्म एक्शन होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर को मेनली इनहिबिट करना होता है। इसके बाद इंटरनल है, तो इंटरनल हाफ लाइफ की डेफिनेशन और डाइजोक्सिन की हाफ लाइफ पूछ रहे हैं, तो डाइजोक्सिन की हाफ लाइफ मुझे भी सही तरह याद नहीं आ रही, तो आप इसको किताब से देख लेना। हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या होती है, ये टाइम इंटरवल जिसमें किसी भी ड्रग की डोज 50% कम रहती है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मेटाबॉलिज्म की बात करें, क्लोरोक्विन की बायो अवेलेबिलिटी, लोडिंग डोज है, तो लोडिंग डोज का ये भी देख लेना, बुक से वेरीफाई कर लेना। इसके बाद है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा ये हो गया। अच्छा, विच ग्रुप इन एस्थमा आर यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस, तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट वगैरह इनको इस्तेमाल करते हैं प्रोफाइलेक्सिस के लिए। और रिलीफ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रिलीफ में साबा इस्तेमाल करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ। मर्सा और इसका ट्रीटमेंट और स्पेक्ट्रम क्या है, मर्सा क्या होता है, मर्सा मेथिलीसिन रेजिस्टेंस स्टाफिलोकोकस ओरियस, आप इसके लिए बहुत सारी दवाएं देते हो, लाइक वैनकोमाइसिन दे सकते हो, टेट्रासाइक्लिन दे सकते हो आप, इसके अलावा आप कोट्रिमोक्सासोल दे सकते हो, लिनेजोलाइड दे सकते हो, डेप्टोमाइसिन है और स्टैप्टोग्रामिस होती है। हाउ मेनी रिंग्स आर इन पेनिसिलिन रिंग, तो बीटा लैक्टम है तो यहाँ पे दो रिंग होती है, ठीक है। व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच पेनिसिलिन कॉसेस एलर्जिक रिएक्शन, तो पेनिसिलिन के अंदर पेनिसिलिक एसिड होता है, टाइप 4 नहीं बल्कि टाइप 1 और टाइप 2 दोनों करवा सकती है, ठीक है। इसके बाद है कि विच ऑर्गेनिज्म कॉसेस ओमाइबिक एब्सेस है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म ओमाइबिक एब्सेस करवा देता है, तो आपको एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट और स्पेक्ट्रम है मेट्रोनिडाजोल का, तो उसको आप देख लेना कि मेट्रोनिडाजोल को हम लुमिनल एजेंट के साथ मिला के देते हैं, डिलोक्सन एंड फिरोड के साथ। इफेक्ट ऑफ क्विनिन, तो इफेक्ट क्विनिन का टॉक्सिक इफेक्ट पूछ लिया, तो आपने ब्लैक वाटर फीवर लिख देना, इसके अलावा सिंकोनिज्म वगैरह लिख देना, सिंकोनिज्म में जीआईटी डिस्ट्रेस, हेडेक, टीनाइटिस वगैरह, वर्टिगो वगैरह होता है। इसके बाद में एंटी प्रोटोजोल ड्रग, तो एंटी प्रोटोजोल ड्रग के अंदर आप कह सकते हो कि कन्वर्सिव ड्रग होती है, तो एंटी प्रोटोजोल के अंदर यानी कुछ एंटीबायोटिक ड्रग होती है, कुछ एंटी मलेरियल ड्रग होती है, वो एंटी लेशमेनिया वाली ड्रग होती है, ट्राइपैनोसोमा को ट्रीट करने के लिए ड्रग होती है। इसके अलावा क्लोरोक्विन की बायो अवेलेबिलिटी, इसको देख लेना किताब वाले से, लोडिंग डोज में से, ठीक है, मतलब याद नहीं आ रहा। ड्रग्स फॉर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया, तो सबसे पहले आप यूज़ करते हो आर्टीमेसिनिन वगैरह यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा क्लोरोक्विन वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ओके। और प्रिवेंशन के लिए आप क्या करते हो, पहले क्लोरोक्विन लिख रहा, अगर रेजिस्टेंट है तो क्विनिन या मेफ्लोक्विन या फिलॉक्सिन, डॉक्सीसाइक्लिन और मेलाटोनिन इस्तेमाल करते हो। एनस्टेट क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। एस्पिरिन की लाइक 300 पे 2400 से अबव तो एंटी इंफ्लेमेटरी, दरमियान में एनाल्जेसिया और एंटीपायरेटिक, उससे पहले एंटीप्लेटलेट एक्शन देखने को मिलता है। एस्पिरिन के डोज डिपेंडेंट इफेक्ट बता दिया, माइनोग्लाइकोसाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो 30 राइबोसोमल सबयूनिट होती है। जिंजिवाइटिस का ट्रीटमेंट क्या होता है, जिंजिवाइटिस के लिए आपने क्या करना है कि ओरल हाइजीन होती है और इंफ्लेमेशन होती है, तो आप डॉक्सीसाइक्लिन यूज कर सकते हो, क्योंकि मुझे जिंजिवाइटिस हो चुका है रिसेंट। तो इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं इंटरनल की तरफ। हाफ लाइफ, अच्छा ये दो चीज़ें आ चुकी है, एक्सटर्नल है, अच्छा इंटरनल वीडी या तो वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, उसको वीडी कहते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में इंसुलिन लिस्पेरोस पार्ट और ग्लूलिसिन वगैरह आ जाती है। एस्टामिनोफेन कैंडिडेट एनस्टाइलसिस्टीन होता है, टोकोलाइटिक ड्रग है, तो टोकोलाइटिक ड्रग में मैग्नीशियम आ जाती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी आ सकती है, इसके अलावा अल्फा अल्फा नहीं बल्कि
कोई था अल्फा वन एगोनिस्ट या बीटा टू, बीटा टू एगोनिस्ट आई थी, बीटा टू एगोनिस्ट सबसे बेस्ट होती है, मतलब जो खत्म हो चुकी है वह टॉसिपान थी। इसके बाद कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है, तो कार्डियोटॉक्सिक ड्रग के अंदर आप सारी ड्रग बता सकते हो, कार्डियोटॉक्सिक डाइजोक्सिन से आप स्टार्ट हो जाना, कार्डियोटॉक्सिटी करवाती है। इसके अलावा क्विनिन वगैरह होती है, क्यूटिन टैबलेट वगैरह को बढ़ा देती है, फ्लोरोक्विनोलोन भी क्यूटिन टैबलेट को बढ़ा देती है। फ्लोरोक्विनोलोन के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन के साइड इफेक्ट ऑलरेडी बता चुका हूं, वेफालिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती है, ग्रोइंग कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर देती है, क्यूटिसिन टैबलेट को बढ़ा देती है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मेटाबॉलिज्म में बायो ट्रांसफॉर्मेशन के इंड्यूसर पूछ रही है, तो इसका मिमोनिक होता है जीपीआर सल्फोन है, यानी ग्रिसोफिलमिन एफेनिटोइन है, कार्बामेज़ेपिन होती है, एफएमपिन वगैरह होती है, ठीक है, फिनोबारबिटल होती है, इंटरनल है। वेयर डू वी गेट एट्रोपिन फ्रॉम, एट्रोपिन कहाँ से लेते हैं, एट्रोपा बेलाडोना प्लांट से निकल जाती है। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन एंटीस्टामिन, जो फर्स्ट सेकंड जनरेशन होती है इनके पास कोई मोशन सिकनेस एक्टिविटी नहीं होती, कोई सेडेटिव एक्टिविटी नहीं होती, कोई हमारी मोशन स्किल को इंपेयर नहीं करती, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट सेकंड के अंदर नहीं होती। COX3 किधर होता है, सीएनएस के अंदर होता है। COX3 इनहिबिशन ड्रग कौन कौन सी होती है, तो एसिटामिनोफेन होती है। एसिटामिनोफेन का बेनिफिट क्या होता है, एस्पिरिन से, क्योंकि हम राइस सिंड्रोम वाले चिल्ड्रन के अंदर दे सकते हैं, या जिसके अंदर एस्पिरिन इंटॉलरेंट रेडियोसिंक्रेसी रिएक्शन शो कर रही है, तो उसमें हम एसिटामिनोफेन वगैरह दे सकते हैं। बट अल्कालेटिक एजेंट ऑलरेडी बता चुका हूं, क्लोरम बेसिल मेक्लोरेथामिन है, साइक्लोफॉस्फामाइड होती है। बट आता व्हाट इज द थेरापेटिक इंडेक्स ऑफ अल्कालेटिक एजेंट है, तो अल्कालेटिक एजेंट का जो थेरापेटिक इंडेक्स होता है, मुझे ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आई थिंक थेरापेटिक इंडेक्स काफी ज्यादा कम होता है, थोड़ा टॉक्सिक होती है। थेरापेटिक विंडो और इसकी एग्जाम्पल बताओ, तो थेरापेटिक विंडो की एग्जाम्पल जो बुक में लिखी होती है, फाइलिन 18 से लेकर 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, उसकी जो डेफिनेशन होती है कि द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम थेरापेटिक कंसेंट्रेशन और मिनिमम टॉक्सिक कंसेंट्रेशन, इसके जो डिफरेंस को हम थेरापेटिक विंडो कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इंटरनल के तरफ, तो हाफ लाइफ एंटी ट्यूब, एंटी हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ की ये टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें 50% ड्रग कम हो जाती है। एंटी ट्यूबरक्लोटिक फर्स्ट लाइन ड्रग, तो उसमें स्ट्राइप हिमोनिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इसके अलावा रिफैम्पिन आइसोनियाज़ाइड होती है, पिराज़िनामाइड होती है, थिम्ब्यूटल होती है, एमडीआर यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, दो ड्रग मेनली इस्तेमाल करते हैं, अमीकैसिन है, इसके अलावा हम इथियोनामाइड भी यूज़ कर सकते हैं और बेटाक्यूलिन होती है, ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्यों देते हैं फर्स्ट लाइन के तौर पर, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, हमें भी फर्स्ट लाइन के तौर पर इसलिए देते हैं और कम्बिनेशन के फॉर्म में इसलिए देते हैं ताकि रेजिस्टेंस को प्रिवेंट कर सके। अल्कालेटिक एजेंट के नाम मैं बता चुका हूँ, अल्कालेटिक एजेंट में साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोरम ब्यूसिल होती है, मैक्लोरेथामिन है, कार्मिस्टिन डोमेस्टिन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कि उन्होंने अल्काइलेशन करनी है नाइट्रोजन, जो ग्वानिन का होता है नाइट्रोजन, उस पर अल्काइलेशन वगैरह कर देनी है। इसके अलावा डीएनए की जो क्रॉस लिंकिंग खराब कर देती है, डीएनए की चेन को तोड़ देती है, डीएनए के रिपेयर को खराब कर देती है। पीपीआई के साइड इफेक्ट, तो पीपीआई की वजह से क्या हो सकता है कि विटामिन बी12 की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, पीएच रिलेटिवली हाँ कह सकते हैं कि ज्यादा हो जाती है पीएच, ठीक है, एसिडिटी कम हो जाती है, कुछ ड्रग की एब्जॉर्प्शन लाइक डाइजोक्सिन कीटोकोनाथन इनकी एब्जॉर्प्शन मिनिमाइज हो जाती है, और इसके अलावा एक क्लोरिडिया वगैरह हो जाएगा, विटामिन बी12 की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, और जो ओमीपेराजोल होता है ये मेटाबॉलिक इनहिबिटर होता है, तो आपको ड्रग इंट्रैक्शन देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, इसके अलावा गाइनेकोमास्टिया भी हो सकता है, इंटरनल है, हाफ लाइफ एंटी टीबी, अच्छा ये तो हो चुका है, एंटी टीबी ड्रग है। अच्छा यहाँ पर है एक्सटर्नल के सवाल आगे है, ओके नेक्स्ट है क्लास वन एंटी डिथ में क्लासिफिकेशन, तो क्लास वन में 1A 1B 1C या 1 में फेनिटोइन वगैरह कह सकते हो, फेनिटोइन होता है इसके, नहीं 1A में फेनिटोइन होता है, प्रोक्रामाइड क्विनिडिन और डाइसोप्रामाइड होता है, ठीक है। इसके अलावा जो 1B में होता है फेनिटोइन और लिडोकिन होता है, टाइप सी में प्लेसिनाइट होता है, प्रोपाफिनोन होता है। प्लेटियो फेस इसको देख लेना किताब में, फेस मेकर पोटेंशियल है, ये इंटरनल के क्वेश्चन आसान से। अच्छा एडवांटेजेस ऑफ इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इंटरवेनस एडमिनिस्ट्रेशन में रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाती है, एब्जॉर्प्शन वैसे होती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पूरा आ जाती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर यानी बाईपास कर देता है। इसके अलावा एंटीडोट के लिए बेस्ट होता है, सबकुटेनियस क्ली गिवन ड्रग, तो आप हैपरिन लिख सकते हो, उसके अलावा आप लिख सकते हो कि इंसुलिन है, टॉक्सिसिटी ऑफ पोस्ट ट्रीटमेंट लिखा है, ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, तो अगर पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस है वैसे तो कैल्शियम देते हैं, लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल के अंदर आप रिलैक्सोफिन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, बिसफॉस्फोनेट इस्तेमाल कर सकते हो, और आप ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर आप टेरिपिराटाइड यूज़ कर सकते हो, विटामिन डी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं पेनिसिलिन हाइपर सेंसिटिविटी, तो पेनिसिलिन की हाइपर सेंसिटिविटी का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो आपने पेनिसिलिन की हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसको ट्रीट करने के लिए आपको बताया है ना, हाइपर सेंसिटिविटी के लिए जो ड्रग चॉइस होती है ना एनाफिलैक्टिक शॉक के लिए, तो वो एपिनेफ्रिन होती है। इसके अलावा आपने ड्रग को चेंज कर देना है, मोनोलैक्टिन वगैरह यूज़ करनी है। ऑर्फन रिसेप्टर क्या होती है, नहीं ऑर्फन ड्रग के रिसेप्टर, ऑर्फन रिसेप्टर ऑर्फन ड्रग के रिसेप्टर होते हैं, ऐसे ड्रग होती है जो कि किसी रेयर डिजीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, आई थिंक 2 लाख में एक जो डिजीज होता है, तो उसमें इंटरफेरॉन पिगालेटेड है, पिगालेटेड फॉर्म इसलिए बनाते हैं ताकि उसकी हाफ लाइफ वगैरह बढ़ जाए, डोज कम देनी पड़े, टॉक्सिसिटी कम से कम हो, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग डोज ऑफ पिरिडॉक्सिन, तो क्यों देते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं हजार पिरिडॉक्सिन के एक्सीलेशन को बढ़ा देती है फास्ट, और सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन तो सेकंड वाली होती है, उनके पास कोई एंटी मोशन सिकनेस इफेक्ट नहीं होता, कोई सेडेटिव एक्टिविटी नहीं होती, ये कॉग्निटिव स्किल को इंपेयर नहीं करती। इंटरनल की तरफ चलते ऑर्फन रिसेप्टर, तो ऑर्फन रिसेप्टर ऑर्फन ड्रग के रिसेप्टर को कहते हैं, ये जो ऐसे ड्रग होती है जो आई थिंक रेयर डिजीज के लिए अप्लाई होती है, फॉर एग्जाम्पल एनेस्टेटिन एसिटामिनोफेन के लिए होती है। ड्रग एक्टिंग और साइटोसोलिक रिसेप्टर, तो साइटोसोलिक रिसेप्टर में आप कह सकते हो कि स्टीरॉइड होती है लाइक प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन वगैरह होती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होती है, इनके रिसेप्टर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं। पीपीआई के साइड इफेक्ट, तो आपको कह सकते हो कि गाइनेकोमास्टिया होता है, मेटाबॉलिक इनहिबिटर होता है, इसके अलावा पीएच को ज्यादा कर देते हैं, तो पीएच ज्यादा हो जाएगी तो एसिडिटी कम हो जाएगी, डाइजोक्सिन केटाकोनाज़ोल और विटामिन बी12 की एब्जॉर्प्शन कम से कम हो जाती है। ट्रिपल थेरेपी रेजिमन फॉर पेप्टिक अल्सर, तो उसके लिए मिमोनिक होता है, कैप है यानी क्लारिथ्रोमाइसिन एमोक्सिलिन और प्रोटोनेम इनहिबिटर होता है।
होता है। लिखो एलोपिनिनोल, तो एलोपिनिनोल हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्रोनिक गाउट के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ये यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म वगैरह पर जाके काम करते हैं। यूरिक एसिड की असल में ये जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। ओके, जो लिकोवरिन होती है ये रेस्क्यू थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल होती है फॉर द मेथोट्रेक्सेट है। इसके अलावा जो रिबावरिन होती है, रिबावरिन क्या है, रिबावरिन एक एंटीवायरल ड्रग होती है, इसको इंटरफेरॉन अल्फा और उसके साथ मिला के देते हैं हम। इंटरफेरॉन अल्फा और रिबावरिन दोनों मिला के देते हैं हेपेटाइटिस सी के लिए। इसके बहुत सारे मैकेनिज्म अफेक्शन है, लाइक जीटीपी के वगैरह की कैपिंग कम्प्लीमेंट कर देती है, और इसके अलावा ये ट्रांसलेशन वगैरह को, ट्रांसलेप्शन को ब्लॉक कर देती है। बहुत सारे वायरसेस के गेस्ट काम करते हैं, लाइक रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस वगैरह के काम क्या गेस्ट काम करते हैं। सल्फोनाइल यूरिया, तो सल्फोनाइल यूरिया इंसुलिन सीक्रेटर को होती है, दो जनरेशन होती है, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन है। वारफेरिन का एंटीडोट विटामिन के होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि विटामिन के अलावा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है। विटामिन के यूजेस किया, तो विटामिन के हम इस तरह देते रहते हैं, किसी ने विटामिन के डेफिशिएंसी है या वारफेरिन की टॉक्सिसिटी है तो उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम इंटरनल की तरफ आ रहे, तो एक्टिव प्रिंसिपल डेफिनेशन प्लस एग्जांपल है। तो एक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है, किसी भी ड्रग और पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि असल में साइनोसिप्टम या असल में एक्शन दिखाता है, तो उसको एक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप ये कह सकते हो कि ओपीएम कहते हैं, जो एक्टिव प्रिंसिपल वो मॉर्फिन वगैरह होता है, फार्माकोजेनोमिक्स या फार्माकोजेनेटिक इफेक्ट या जेनेटिक फैक्टर ऑन द ड्रग मेटाबॉलिज्म, तो उसको फार्माकोजेनोमिक कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो कि C5P2C9 उसके लिए कोडिन वगैरह देख सकते हो। टैकीफिलेक्सिस वर्सेस टॉलरेंस पहले बता चुका हूं, टैकीफिलेक्सिस का फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस कहते हैं, टॉलरेंस का फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस कहते हैं। टैकीफिलेक्सिस में फौरन ही डोज दे दोगे तो ड्रग इफेक्ट कम हो जाएगा, टॉलरेंस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ड्रग का इफेक्ट कम होना शुरू हो जाएगा, और इसमें आप डोज बढ़ाने से आप ड्रग के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। इसके बाद अल्कालेटिंग एजेंट, अल्कालेटिंग एजेंट में साइक्लोफोस्फामाइड, क्लोरम ब्यूसल, मेक्लोरेथामिन होती है, कॉर्मेस्टिलोमेस्टिन, प्रोकार्बाजिन, डाकार्बाजिन, नॉन कैंसरस यूजेस, और मेथोट्रेक्सेट, तो तीन होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या सोरियोसिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। स्टेटस एस्थमेटिकस को ट्रीट करने के लिए थियोफिलिन इस्तेमाल कर सकते हो, उसके अलावा पेरिटोनिसोलोन इस्तेमाल कर सकते हो, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक वगैरह ले सकते हो आप। इंटरनल का अच्छा ये भी हो गया है, ड्रग यूज फॉर कैंसर कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग, तो उसके लिए ग्लुकोकॉर्टिकॉइड यूज़ कर सकते हैं। और बेस्ट जो ड्रग होती है वो 5-सेरोटोनिन टाइथिन रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, ऑडन सेट्रोन की रनिसेट्रोन होती है। आगे चलते हैं बीटा ब्लॉकर के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो बीटा ब्लॉकर क्या होता है, बीटा ब्लॉकर बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। इसके नाम से नाम प्रोपेनोलोल है, एटीनोलोल, लैबिवलोल, मेटाप्रोलोल, ओके, लैबिटोलोल है, बीटा एग्रोनिस जो कि अस्थमा में यूज होते हैं, तो साबा लाबा है, साबा के अंदर एटीएम है, यानी एटीनोलोल नहीं होगा, एल्बिटिरोल है, टर्बिटोलिन और मेटाप्रोटीनोल, जबकि लाबा के अंदर कौन कौन से होते हैं, फॉर्मेटिरोल, साल्मेटिरोल, इंटाकेटिरोल, बिलेंटीरोल, ब्रोंकोडायलेटर, ये सिंपैथोमिमेटिक होती है, बीटा 2 एगोनिस्ट होती है, इसके अलावा मस्क्रीनिक एंटी मस्क्रीनिक ड्रग होती है, और थियोफिलिन वगैरह होती है। मैक्रोलाइट्स क्या होती है, मैक्रोलाइट्स ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं, 50 का राइबोसोमल इनहिबिटर होती है। इसमें कौन कौन से चार एग्जांपल आप याद कर लो, फिडोक्सामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, और इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन, फिडोक्सामाइसिन है, और फिर आप मुझे भूल गया लाइन से, एरिथ्रोमाइसिन, हाँ एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन वगैरह, ये सब हो जाती है। अमाइनोग्लाइकोसाइड की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड 30 राइबोसोमल सबयूनिट होती है, इसके चार काम होते हैं, ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक कर देना, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देना, पॉलीसोन को डिसरप्ट कर देना, ठीक हो गया। तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मेट्रोनिडाजोल की टॉक्सिसिटी है कि जो फीसेस होती है ब्लैक हो जाती है, मेटालिक टेस्ट होता है, और इसके अलावा जो सबसे मेन है वो अल्कोहल के साथ डायसल्फिनामाइड रिएक्शन वगैरह कर सकते हैं, डीआईटी डिस्ट्रेस वगैरह लिख सकते हो। फार्माकोजेनोमिक्स की एग्जांपल आप ऑलरेडी बता चुका हूं, आर्थरोस्टेटिक हाइपरटेंशन अल्फा वन ब्लॉकर की वजह से देखने को मिलती है, ओके, जैसे आप खड़े होते हैं तो फौरन आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और डिजीनेस वगैरह फेंटिंग होती है। अल्फा ब्लॉकर ये अल्फा वन सिलेक्टिव, अल्फा टू और नॉन सिलेक्टिव वगैरह लिख सकते हो। डिफरेंस बिटवीन एरिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन है, तो एरिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन का डिफरेंस मैं ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ, लेकिन जो एरिथ्रोमाइसिन होती है, आई थिंक एरिथ्रोमाइसिन, मुझे भी इसी तरह याद नहीं आ रहा, लेकिन एरिथ्रोमाइसिन की आई थिंक एक्सक्रीशन बाइल में होती है, और क्लैरिथ्रोमाइसिन की मे भी शायद यूरिन के अंदर होती है, और जो हाफ लाइफ होती है क्लैरिथ्रोमाइसिन की रिलेटिवली ज़्यादा होती है, और क्लैरिथ्रोमाइसिन का जो मेटाबॉलिज्म इतना खास होता नहीं है, लेकिन एरिथ्रोमाइसिन का मेटाबॉलिज्म होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मेटाबॉलिज्म को कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें ड्रग को हम मेटाबोलाइज करके उसकी पोलैरिटी को बढ़ा देते हैं। एंटासिड है, एंटासिड में आप कह सकते हो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, डिफरेंस बिटवीन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होती है इसके पास कॉन्स्टिपेटिंग एक्शन होता है, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के पास एंटी डायरियल एक्शन होता है जब ये कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल होती है। अच्छा, इंटरनल के ये सवाल हो गए हैं और हम आगे चलते हैं। वाई पिरोडॉक्सिन इज गिवन विद आइसोनियाजाइड, तो 25 से लेकर 50 मिलीग्राम पिरोडॉक्सिन देते हैं आइसोनियाजाइड के साथ, आके हम आइसोनियाजाइड जो कि पिरोडॉक्सिन की सेक्रेशन या सॉरी एक्सक्रीशन करवा देती है, तो जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी उसको प्रिवेंट कर सके। व्हाट विल हैपन इन द ओवरडोज ऑफ पिरोडॉक्सिन, तो पिरोडॉक्सिन की अगर ओवरडोज हो जाती है तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, तो विटामिन B6 की ज्यादा डोज होने की वजह से इतना ज्यादा खास होता नहीं है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, तो इतना खास कुछ होता नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनल के, हाफ लाइफ है, एनसेड है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अच्छा मैकेनिज्म ऑफ रीनल फेल्योर है, तो जो एनसेड होती है रीनल फेल्योर किस तरह से करवा देते हैं आपको बताया, जो एनसेड होती है प्रोजेस्टेरोन नहीं प्रोस्टाग्लैंडिन E1 A2 इनके सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं वो रीनल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, रीनल वैस्कुलेचर के टोन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो GFR मेंटेन नहीं हो सकेगी और रीनल फेल्योर हो सकता है। एंटीबायोटिक ड्रग और विच आर प्रेफर्ड इन द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के अंदर हम मेनली जो प्रेफर करते हैं, आई थिंक जो हम प्रेफर करते हैं मेटाक्लोप्रामाइड वगैरह जो बच्चों को प्रेफर करते हैं,
मुझे इसके बारे में कंप्लीट श्योरिटी नहीं है, इसको देख लेना किताब से। मैकेनिज्म ऑफ मेटाक्लोपरामाइड तो सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों पूछ रहा है। सेंट्रल के अंदर क्या होगा कि जो सेंट्रल के अंदर तो ये एमेटिक सेंट्रल को ब्लॉक कर देती है, लेकिन इसके अलावा एंटी पार्किंसन इफेक्ट भी देखने को मिलता है। पेरिफेरल के अंदर डोपामिन वाली ब्लॉकेज इफेक्ट देखने को मिलती है, लाइक हाइपोटेंशन वगैरह। और आगे हाउ एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट आर ट्रीटेड, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट को ट्रीट करने के लिए क्या देते हो? मेटाक्लोपरामाइड है तो उसने जो कि डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना होता है, ठीक है। तो उसको आगे या तो ट्रीट करने के लिए तो मेटाक्लोपरामाइड को डोमपेरिडोन से रिप्लेस कर दोगे, या अगर ड्रग इंड्यूस होता है तो ड्रग इंड्यूस को ट्रीट करने के लिए आप ड्यू टेट्राबेनाजीन वगैरह, हेलोपेरिडोल वगैरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एंटीडोट ऑफ हेपरिन और वारफरिन है, नहीं हेलोपेरिडोल की वजह से तो ज़्यादा हो सकता है, इसको बुक से देख लेना। ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म में आई थिंक एंटी मस्कुलिनिक ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक बेंजोस्ट्रोपिन वगैरह या ट्राईहेक्सीफेरिडाइल। एंटीडोट ऑफ हेपरिन और वारफरिन है, तो हेपरिन का एंटीडोट होता है, वो हेपरिन का एंटीडोट कौन सा होता है? हेपरिन का ये प्रोटामीन वारफरिन का विटामिन क्या होता है? यूजेस ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस ये थ्रोम्बोसिस को ट्रीट करने के लिए, यानी हार्ट फेलियर है तो वहाँ पर उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिडोबिडिन को प्रेग्नेंट वुमेन में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये वर्टिकल ट्रांसमिशन को प्रिवेंट कर देता है। साइड इफेक्ट ऑफ एम्फोटेरिसिन भी, तो एम्फोटेरिसिन के साइड इफेक्ट डोज लिमिटिंग और इन्फ्यूजन रिलेटेड होते हैं। ड्रग यूज इन द सुपरफिशियल माइकोसिस, तो सुपरफिशियल माइकोसिस के अंदर क्यूटाकोनाजोल वगैरह यूज करते हैं हम। इसके अलावा आप वोरिकोनाजोल, आइसोकोनाजोल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के नाम तो प्रोटीन 50S और 30S होते हैं, जो 30S टेट्रासाइक्लिन और माइनोग्लाइसिकल साइड ऑफ 50S के अंदर हम कह सकते हैं। 50S में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, क्लोरामफेनिकोल आ जाएगा, मैक्रोलाइड वगैरह आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोग्रामिस भी आ जाते हैं, लिनाजोलाइड भी आ जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इंटरनल के, तो इंटरनल हाफ लाइफ चाहिए तो वही वही क्वेश्चन एम सी क्यू वगैरह में। अच्छा ये सारे ऑलमोस्ट कवर हो गए। एक्सटर्नल के क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे कंप्लीट श्योरिटी नहीं है कि एक्सटर्नल चेंज भी हो सकता है, लेकिन इंटरनल के क्वेश्चन यही सेम होने वाले हैं और रिपीट होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।